Assalamu alaikum students, today I am going to talk to you and I am going to tell you about the presentation skills. That how we can make our paper, our test good by giving a better presentation. So students, there are five main points that you have to follow if you want a good presentation. First thing is use of marker. There are variety of markers available in the market. Bahut sare markers market mein available hain, like this 605 604, and there are round tip markers too. Aap log in markers ka istemal zarur kare paper mein. Markers ke istemal se aapka jo paper hai wo zyada khoobsurat nazar aayega. Number 2 is introduction. Whenever you start a question in biology, in chemistry or in physics or koi bhi aisa subject, misal ke taur par banking in ICOM, geography in ICOM or in FSC or in ICS the computer, agar aap koi bhi subject ka paper de rahe hain, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा रहा है उसका इंट्रोडक्शन दें. इनटू 2 to 3 लाइंस और 4 लाइंस आप उसका इंट्रोडक्शन दें. अगर आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन आपके अपने अल्फाज में होगा. जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चन की सूझबूझ है. यू नो दैट व्हाट इज़ क्वेश्चन और व्हाट क्वेश्चन इज़. और उसका जवाब देने से पहले आप जब उसको इंट्रोडक्शन दे देंगे तो उसको ये भी समझ में आ जाएगी कि आपको क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर आता है. तीसरे नंबर पर बात आ जाती है आपके पास डेफिनेशन की. सो अगर किसी ऑथर ने, किसी साइंटिस्ट ने उस चीज़ की कोई डेफिनेशन दी है तो तीसरे नंबर पर आप उसकी डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन पेश करेंगे, एंड दैट विल हैव अ वेरी गुड इफेक्ट. ट्राई टू लर्न द डेफिनेशंस टू, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस होंगी इनको आप कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे, और जब आप इन डेफिनेशंस को कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे तो इससे एग्जामिनर को ये समझ आएगी कि जो स्टूडेंट है उसने ना सिर्फ अपनी ज़ुबानी हमें इंट्रोडक्शन में बयान किया है बल्कि इसके साथ साथ उसने डेफिनेशन भी याद की है, जिससे हमें ये पता लग सके कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या कहते हैं. नंबर 4, मेक द पॉइंट्स. ओके, आफ्टर डेफिनेशन आप ये लिखते हैं कि मंदरजा ज़ैल निकात इस चीज़ के हवाले से अहम है. मिसाल के तौर पर कोई ऐसा सवाल है जैसा कि राइबोसोम्स हैं या फिर न्यूक्लियस है, या आपके पास जो है वो कंप्यूटर में टोपोलॉजीज़ हैं, या फिज़िक्स का कोई असूल है, या केमिस्ट्री की कोई चीज़ आपसे पूछी गई है, तो आपसे अब आप ये कहेंगे कि मंदरजा ज़ैल इसके अहम निकात हैं. यानी मंदरजा ज़ैल, राइबोसोम्स में मंदरजा ज़ैल अहम अज्ज़ा होते हैं या अहम अशिया होती हैं या अहम चीज़ें राइबोसोम्स के अंदर हैं. और इंग्लिश में आप ये लिख सकते हैं कि देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन राइबोसोम्स, और देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन टोपोलॉजीज, और देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन इंटरनेट, और देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट. सो मेक द पॉइंट्स. And fifth thing is that prominent the important
पॉइंट्स. प्रोमिनेंट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट से क्या मुराद है, जब आप क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं तो उस वक़्त आपको कुछ डेट्स आती हैं, उन डेट्स को प्रोमिनेंट करके लिखना. मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ. नाउ दिस इज अ लाइन, मैंने इसको बिल्कुल बोल पॉइंट से लिख दिया. दूसरे नंबर पर अगर मैं इसको इस तरह से लिखता पाकिस्तान 2020, तो इसका एक ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि जब हम इसको प्रोमिनेंट करके लिखेंगे पेपर के अंदर तो एग्ज़ामिनर की नज़र सीधी इस पर जाएगी और बाकी हिस्से को शायद वो इतना इम्पोर्टेंस ना देते हुए सिर्फ इस डेट को पढ़ेगा, एंड ही विल अंडरस्टैंड और शी विल अंडरस्टैंड कि आपको जो इस पूरी लाइन में इम्पॉर्टेंट बात थी 14 अगस्त 1947, आपको ये बात याद थी. तो ये 5 पॉइंट्स बहुत अहम हैं इस हवाले से, और अगर आप इन 5 पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं तो उसके बाद 6वां पॉइंट है, अगर आप इन 5 पॉइंट्स पर काम कर लेते हैं बिल्कुल सही तरीके से, तो उसके बाद एक चीज़ 6वीं चीज़ जिसे आप कह सकते हैं वो ये होगी, गिव एग्जांपल्स, मिसालें ज़रूर दें. आप मिसालें देकर वाज़िया करने की कोशिश करें. देखें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि हमारा पेपर दूसरे तुलबा से कुछ मुख्तलिफ हो, कुछ अलग हो. अगर हम उस पेपर को बिल्कुल वैसा ही बना देंगे जैसा सब तुलबा का होगा तो उससे एग्ज़ामिनर को हमें मार्क्स देने की कोई मतलब ज़रूरत महसूस नहीं होगी. तो हमारा पेपर बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए कि वह दूसरे तुलबा से थोड़ा मुख्तलिफ हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इसकी कोई एग्जांपल चाहिए हो, यानी आप एक पेपर बना हुआ देखना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं, मैं आपको पेपर बनाकर दिखा दूंगा एग्जाम्पलरी, ताकि आप उसके हिसाब से अपने पेपर को जो है वो एग्ज़ाम्स में डिज़ाइन कर सकें. थैंक यू. आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए. और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको वीडियो किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से चाहिए वो आप बता सकते हैं, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे. अल्लाह हाफिज़.